मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनगवा ग्राम में एक युवक के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार धनगवा ग्राम निवासी विकास यादव रोज की तरह शुक्रवार की सुबह भी खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान झाड़ियों में छुपे बाघ ने विकास के ऊपर हमला कर दिया। वहीं विकास के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुन सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उसको बाघ के चंगुल से छुड़ाया और 108 की मदद से घायल को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं इस खूंखार बाघ की सूचना वन विभाग को भी दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। इसी क्रम में कई घंटे तक वन विभाग और स्पेशल रेस्क्यू टीम के लगातार प्रयास करने के बाद तेंदुआ को रेस्क्यू कर पकड़ा जा सका। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब सुबह उठने मतलब उठा तो मैं बोला कि थोड़ा पानी देखो, जाकर खेत गए, अचानक वहाँ पता नहीं, मैं तो घर पे था, अचानक वहाँ एकदम से मान लो इसको शेर काटा, तो मेरे को लोग बाग फोन किए, मैं गया तो इसको देखा तो दो चार लोग बाग वहाँ खड़े थे बचाने के लिए, बचाए भी, उसके हाथ पे मतलब लपड़ गया था तो इसको बचाए, फिर वहाँ से मेरे फोन किए, मैं घर से आया देखा, फिर इसको फिर वन विभाग को फोन लगाया, इसके बाद में गाड़ी वाड़ी लाया, फिर मैं इसको बोला कि चलो तुम्हारा इलाज करवा दूँ, फिर वन विभाग आए तो बोले कि नहीं अभी इसको नहीं लेके जाए। जैसे ही सूचना मिली वैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम को सूचित किया गया, वहाँ से रेस्क्यू टीम भी जल्दी से आई और उसका सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। जो आपने अभी बात करी हमला करने की, तो एक्चुअली वो हमला नहीं था, लेपर्ड चूंकि वहाँ पे था और ग्रामीण शायद उसके पास जा रहे होंगे तो जरा सा उसको बाइट, मतलब बाइट या शायद नेल्स की खनोच टाइप से है, मतलब इंजर्ड नहीं है, उसको तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया, उसका इलाज हो चुका है और वो अभी अच्छा है। सूचना से तत्काल जो है श्रीमंत्री महोदय को अवगत कराया गया और पुलिस स्टाफ को लेकर ग्राम धनगवार पहुँचे, जहाँ पर जो है फॉरेस्ट की टीम से भी संपर्क किया गया। फॉरेस्ट की टीम, पुलिस और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है तीनों टीमों के साथ संयुक्त रूप से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया और लगभग 5 घंटे के चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेंदुए को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।